2001 में कच्छ में आए भूकंप का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 15 दिसंबर के संयोग का जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि आज ही के दिन 118 साल पहले कच्छ के लोगों ने सूर्य की गर्मी से यंत्र बनाने का फैसला किया था। मुझ पर कई कृपा रही है और ईश्वर की कृपा का ही कारण होगा शायद कि मुझे भी उस भूकंप के समय विशेष रूप से कच्छ के लोगों की सेवा करने का ईश्वर ने अवसर दिया। इसे संयोग ही कहेंगे कि भूकंप के अगले साल बाद जब राज्य में चुनाव हुए तो जिस दिन नतीजे आए वो तारीख भी 15 दिसंबर थी और आज 15 दिसंबर है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इतने बड़े भूकंप के बाद यहां पर हमारी पार्टी को लोग आशीर्वाद देंगे। बड़ी नकारात्मक चर्चा चल रही थी लेकिन उस चुनाव में जब 15 दिसंबर को रिजल्ट आया तो देखा कच्छ ने जो प्यार बरसाया, जो आशीर्वाद दिए, वो आज भी उसी परंपरा चल रही है। आज भी देखिए आपके आशीर्वाद। वैसे साथियों, आज 15 दिसंबर की तारीख के साथ एक और संयोग जुड़ा हुआ है। शायद कई लोगों के लिए जानकारी सुखद आश्चर्य होगा। देखिए हमारे पूर्वज भी कितनी लंबी सोच रखते थे, कितने दूर का सोचते थे। आजकल कभी कभी नई पीढ़ी की सोच वाले लोग पुराना सब निकम्मा है, बेकार ऐसी बातें करते हैं ना। मैं एक घटना सुनाता हूं। आज से 118 साल पहले, 118 साल कोई कम समय नहीं होता है, आज से 118 साल पहले आज ही के दिन 15 दिसंबर को ही 118 साल पहले 15 दिसंबर को अहमदाबाद में एक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का उद्घाटन किया गया था उस जमाने में। और इस एग्जीबिशन का मुख्य आकर्षण क्या था? उसका आकर्षण था भानु ताप यंत्र। भानु यानी सूर्य, यानी 118 साल पहले यहां के हमारे एंटरप्रेन्योर्स की सोच देखिए, भानु ताप यंत्र यानी सूर्य ताप यंत्र ये सबसे बड़े आकर्षण का कारण था। यानी भानु ताप यंत्र यानी सूर्य की गर्मी से चलने वाला यंत्र, और एक तरह से वो सोलर कुकर की तरह उन्होंने विकसित किया था 118 साल पहले। आज 118 साल बाद आज 15 दिसंबर को ही सूरज की गर्मी से चलने वाले इतने बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का उद्घाटन हो किया गया है। इस पार्क में सोलर के साथ साथ पवन ऊर्जा दोनों से करीब 30,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता होगी। इस रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। सोचिए रेगिस्तान की कितनी बड़ी भूमि का सदुपयोग होगा। सीमा के साथ पवन चक्कियां लगने से सीमा सुरक्षित भी और अधिक बेहतर होगी। रिन्यूएबल एनर्जी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने क्लाइमेट चेंज की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कच्छ में बनने जा रहा सोलर पार्क से 5 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने में मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट से किसानों और उद्योगों दोनों को बहुत बड़ा लाभ होगा और सबसे बड़ी बात, इससे प्रदूषण कम होगा, हमारे पर्यावरण को भी लाभ होगा। इस रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में
जो बिजली बनेगी वो प्रति वर्ष 5 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड, 5 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन उसको रोकने में मदद करेगी। और ये जो काम होने वाला है, अगर उसको पर्यावरण के हिसाब से देखना है तो ये काम करीब करीब 9 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर होगा। 9 करोड़ पेड़। ये एनर्जी पार्क भारत में पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को भी कम करने में बहुत बड़ा योगदान देगा। इससे करीब 1 लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ कच्छ के मेरे युवाओं को होगा। बीते 6 सालों में देश में सोलर एनर्जी से बिजली बनाने की क्षमता 16 गुना बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने क्लीन एनर्जी का जिक्र करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में भारत आज दुनिया में 3rd नंबर पर आ पहुंचा है। याद है जब गुजरात ने सोलर पावर को बढ़ावा देना शुरू किया तो यह भी बात आई थी कि इतनी महंगी बिजली का क्या करेंगे, क्योंकि जब गुजरात ने इतना बड़ा कदम उठाया था तब सोलर पावर, उससे जो बिजली थी वो 16-17 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिलने की बात थी, 1 यूनिट 16-17। लेकिन भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए गुजरात ने इस पर काम जारी रखा। आज वही बिजली गुजरात ही नहीं पूरे देश में 2-3 रुपये प्रति यूनिट बिक रही है। गुजरात ने तब जो काम किया था उसके तब के अनुभव आज देश को दिशा दिखा रहे हैं। आज भारत रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन के मामले में दुनिया की 4थी बड़ी ताकत है, दुनिया की। हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा दोस्तों, बीते 6 साल में हमारी सौर ऊर्जा, उसकी हमारी क्षमता 16 गुना बढ़ गई है। हाल में एक क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट रैंकिंग आई है। इस क्लीन इन्वेस्टमेंट एनर्जी रैंकिंग जो है 104 देशों का मूल्यांकन हुआ और नतीजा ये निकला है कि दुनिया के 104 देशों में पहले 3 में भारत ने अपनी जगह बना ली है। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में अब भारत पूरी दुनिया को दिशा दिखा रहा है, नेतृत्व कर रहा है। साथियों, 21वीं सदी के भारत के लिए जिस तरह एनर्जी सिक्योरिटी जरूरी है, उसी तरह वाटर सिक्योरिटी भी महत्वपूर्ण है। और मेरा शुरू से कमिटमेंट रहा है कि पानी की कमी की वजह से न लोगों का विकास रुकना चाहिए और न ही किसी क्षेत्र का विकास रुकना चाहिए। पानी को लेकर भी गुजरात ने जो काम किया है वो आज देश के लिए दिशा दर्शक बना है। एक समय था जब कच्छ में मां नर्मदा का पानी पहुंचाने की बात की जाती थी तो कुछ लोग मजाक उड़ाते थे, वो यही कहते थे तो राजनीतिक बातें हैं, होने वाला कुछ नहीं है। कभी कभी लोग कहते थे 600-700 किलोमीटर दूर मां नर्मदा, वहां से पानी यहां कैसे पहुंच सकता है, ये कभी भी नहीं होगा। आज कच्छ में नर्मदा का पानी भी पहुंच रहा है और मां नर्मदा का आशीर्वाद भी मिल रहा है। हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं देखेंगे इस वक्त की हेडलाइंस।